प्रश्न ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? उत्तर अपरूप। अगला प्रश्न गंधक क्या नहीं होता? उत्तर क्रिस्टल। अगला प्रश्न जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? उत्तर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मौजूदगी के कारण। अगला प्रश्न मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन जिसका रासायनिक नाम हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन कैसे बनाई जाती है? उत्तर फॉर्मेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर। अगला प्रश्न ओजोन गैस वायुमंडल की समता मंडल के निचले परत में पृथ्वी कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? उत्तर पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न हीरा व हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल दोबारा कांच पर क्या किया जा सकता है? उत्तर खरोचा जा सकता है। अगला प्रश्न जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट किसके कारण होती है? उत्तर कैल्शियम सल्फेट के कारण। अगला प्रश्न है काष्ठ के प्रभाज या सोन से प्राप्त पायलेरिन अम्ल में कितना एसिटिक एसिड होता है? तो ये होता है 10%। प्रश्न टेरिलिन किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? उत्तर कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण लेते हैं? उत्तर ऑक्सीजन है और हीलियम गैसों का मिश्रण। उत्तर यही गैसों का मिश्रण अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले सिलेंडरों में भी होता है। अगला प्रश्न कोयले के खनिज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? उत्तर पेट में होता है 50 से 60% कोयला, लिग्नाइट में 25 से 35% कार्बन और बिटुमिन्स में 45 से 85% कार्बन और एंथ्रासाइट में 85% से अधिक कार्बन। अगला प्रश्न है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? उत्तर आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न ठंडे देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीन पदार्थ किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है पानी और एथिलीन ग्लाइकाइल का। अगला प्रश्न मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? उत्तर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न डलवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 3.5 से 4.5% तक। अगला प्रश्न समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवणयुक्त क्यों होता है? उत्तर क्योंकि नदी अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं। प्रश्न फुलरिंस का नाम किसके नाम पर रखा गया था? उत्तर वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। अगला प्रश्न एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? उत्तर इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है? उत्तर एक मनोचुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है कार्बन के तीसरे अपरूप फुलरिन की खोज कब और किसने की? उत्तर 1966 में रॉबर्ट एलकलर, HW क्रोटो और RE स्माले ने की थी। अगला प्रश्न जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है फर्मेंटेशन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर CO2। अगला प्रश्न मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस जल से आती है। अगला प्रश्न है लवणयुक्त जल विद्युत का क्या होता है? उत्तर विद्युत का चालक होता है। प्रश्न ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं? उत्तर पावर एल्कोहल। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी केविडनिस ने। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। अगला प्रश्न हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? उत्तर हाइड्रोजन आबंधन के कारण। अगला प्रश्न विकृतीकृत एल्कोहल जिसे मिथाइलेट एल्कोहल भी कहते हैं, इसमें कैसा पदार्थ होने के कारण पीने योग्य नहीं होती? उत्तर विषैले पदार्थ। अगला प्रश्न भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? उत्तर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न ग्रेफीन कार्बन का कैसा अपरूप है? उत्तर द्वि आयामी अपरूप। अगला प्रश्न पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या असर होगा? उत्तर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा।